एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान सी मिठाई की रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये बन करके तैयार होता है। और इसे बनाना बहुत आसान है, बिना आटा मैदा का ये इसे बना करके तैयार करेंगे। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर मैंने ली हुई है पार्ले जी बिस्किट। तो यहाँ पर मैंने 5 रुपये वाला जो 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 छोटा पैकेट होता है इसी का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ का यूज़ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो बिस्किट है हर जगह बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह से क्या करना है कि इसको फाड़ करके पहले हमें बिस्किट को अलग कर लेना है। तो आप चाहे तो इसको तोड़ भी सकते हैं या फिर नॉर्मल ऐसे भी रहने देते हैं। इसके बाद जो है क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने कढ़ाई में क्या करी है कि ले ली है 1/2 कप घी। तो घी को क्या करेंगे कि इस तरह से हमें कढ़ाई में डाल देना है। यहाँ पर देसी घी का यूज़ करेंगे, घी में बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया ये मिठाई बन करके तैयार होगा। तो घी जैसे ही लगे कि मेल्ट हो गया है, इसमें क्या करना है कि हमें बिस्किट को इस तरह से डाल देना है एक एक करके। और इस तरह से बिस्किट को जो है हमें इसमें डाल करके अच्छे से इस तरह से भून लेना है, जिससे कि थोड़ा सा ये सोंधा सोंधा सा हो जाए, जिससे कि जब हम मिठाई बनाएं तो बहुत ही बढ़िया लगे, टेस्टी आए। तो देख सकते हैं इसका ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, मतलब हल्का सा ये इसका कलर चेंज करना है। आप चाहें तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके भी डाल सकते हैं। और देख सकते हैं पूरा घी जो है इसमें बिस्किट में पूरा सूख गया है। अब क्या करना है कि इसी कढ़ाई में क्या करेंगे, यहाँ पर 1/4 कप मैंने एकदम से बारीक वाला सूजी ली है और इसको जो है अच्छे से क्या करना है कि इसमें डाल करके और हमें भूनना है। ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे, बस हल्का सा ये जो है भून भून लेना है इसमें। तो इस तरह से भून गया, देख सकते हैं मैंने इसमें इसको एक बर्तन में निकाल ली है और इसमें डालेंगे 1/2 कप। यहाँ पर मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ और इसमें क्या करेंगे दूध डाल करके और अच्छे से इसको सूजी को हमें घुलाना है। तो यहाँ पर मैं 1/2 कप दूध का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से क्या करना है कि हमें डाल देना है, देखिए, और इसको जो है क्या करेंगे साइड में रख देंगे। और इसके बाद जो है लगे कि बिस्किट थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो इसको जो है इस तरह से हमें तोड़ लेना है। तो तोड़ करके और इसको मिक्सी जार में डालेंगे जिससे कि पीसने में आसानी हो, इसलिए इसको तोड़ लेंगे। तो इस तरह से डाल देना है और इसमें कुछ डालना नहीं है, बस इसको जो है हमें अच्छे से इसको जो है पीस लेना है। तो देख सकते हैं बिस्किट अभी गर्म ही था तो इसलिए इस तरह से पीस करके तैयार हुआ है। अगर ठंडा रहेगा तो थोड़ा पाउडर बनेगा, लेकिन मैंने इसको गर्मा गर्म ही पीस ली है। इसके बाद जो है यहाँ पर 1/4 कप मैंने ले ली है पैन में चीनी और डाल देंगे यहाँ पर लगभग 1/2 कप के करीब इसमें पानी डाल देंगे। चीनी को अच्छे से घुलने देंगे। इसमें जो है ज़्यादा मीठा मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो मिल्क पाउडर और बिस्किट होता है ऑलरेडी मीठा होता है, इसलिए इतना काफ़ी है इस मिठाई के लिए। तो इस तरह से चीनी देख सकते हैं अच्छे से घुल गया है। तो इसी तरह से हमें मिक्स करते हुए चीनी को अच्छे से घुला लेना है। इसका कोई हमें चाशनी नहीं बनाना है, बस ये अच्छे से घुला लेना है इसको। इसके बाद जो है क्या करेंगे कि जो हमने यहाँ पर सूजी को दूध में डाल करके रखी हुई है इसमें सारा सूजी जो है हमें डाल देना है, देखिए डाल करके, और इसको लगातार मिक्स करते हुए हमें इस सूजी को पकाना है। तो इस तरह से आँच को तेज़ रख सकते हैं और इसको लगातार मिक्स करते हुए हमें अच्छे से इसको जो है पका लेना है। इसके बाद जो है इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर और यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स का जो है पाउडर बना करके इसमें मैं डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके भी इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से डाल करके और इसको लगातार मिक्स करते हुए हमें अच्छे से इसको पकाना है सूजी को। तो धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगेगा। इसके बाद जो है जो हमने यहाँ पर बिस्किट को पीस करके रखी हुई है और सारा बिस्किट जो है इसमें हमें डाल देना है। तो इस तरह से मिक्स करते रहेंगे और अच्छे से इसको जो है पकाते रहेंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ें अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये पूरा इस तरह से गाढ़ा सा हो जाएगा, इस तरह से पकाएंगे तो देखिए कितना ज़्यादा ये गाढ़ा सा हो गया, सूजी भी अच्छे से पूरा इसमें मिक्स हो गया है बिस्किट में। तो एकदम से बढ़िया से ये बन करके तैयार हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे और इसको गर्मा गर्म ही क्या करेंगे किसी प्लेट में हमें अच्छे से इसको सेट कर लेना है। तो थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसके बाद जो है ये जो हमने बनाई हुई है इसमें क्या करना है कि सारा हमें डाल देना है। डाल करके इसको अच्छे से इस तरह से दबाते हुए हमें अच्छे से इसको सेट कर लेना है। मिठाई को बनाना इतना ज़्यादा आसान है कि बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से इस तरह से पूरा सेट हो गया। चाहें तो इसके ऊपर अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स जो है डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर नहीं डाली हुई है, मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से मैं एकदम से बना रही हूँ क्योंकि मैंने इसको पकाते हुए डाली हुई है पाउडर बना करके ड्राई फ्रूट्स का, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और इसको चाहें तो
10 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं या फिर ऐसे भी रखेंगे थोड़ी देर, तो ये ठंडा होगा तो बहुत ही आसानी से ये जो है सेट हो जाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो क्या करना है हमें कि इसको जो है अपने हिसाब से इसको अपने मनपसंद शेप में इसको क्या करेंगे, काट करके तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैं इस तरह से बर्फ़ी वाला शेप दे रही हूँ, जैसे भी आपको पसंद हो ऐसे इसको काट करके तैयार कर सकते हैं। और देखिए कितना बढ़िया से ये निकल रहा है, देखिए। तो ये हमारा पार्ले जी बिस्किट से बहुत ही बढ़िया वाला मिठाई बन करके तैयार हो चुका है। ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाना भी बहुत आसान है। तो छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।